जी हाँ आ चुके हैं, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल की तरफ आए हैं अभी। तो हमने सोचा कि आए हैं तो चाय पी ही लेते हैं, यहाँ पर भैया की चाय की दुकान है। और जो टिकट है वो ऑनलाइन है, ऑनलाइन 35 रुपीज़ का है। अगर आप गूगल पे से अगर पे करते हो तो पूरी मार्केट जहाँ पर सारे हैंडीक्राफ्ट वगैरह का सामान मिलता है, बहुत बढ़िया मार्केट है। शाम को ये और भी ज़्यादा गुलजार रहे। तो पीछे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो, आर्किटेक्चर बहुत ही बढ़िया सा है। और ये जो है छतरपुर के जो महाराज थे उनका मकबरा है, ये कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं लोकल से बात करिए, वो आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। टिकट होता है ऑनलाइन, आपको स्कैन करना पड़ता है और ये सब डिटेल फिल करनी पड़ती है और PDF डाउनलोड हो जाती है। 35 रुपीज़ ऑनलाइन। तो जो मंदिर का परिसर है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल्स का, उसके अंदर हैं अब। और जो पहली नज़र जो हमारी पड़ती है, जिस मंदिर को हम देखते आए हैं हमेशा किताबों में, आज उसको सामने से ऐसे विटनेस करना बहुत ही एक अलग ही अनुभव हो रहा है। यहाँ पर बेलपत्री वगैरह भी आप मिलती है तो उसको आप चढ़ा सकते हैं। तो हमारे पीछे जो टेंपल है वो मतंगेश्वर महादेव जी का है और बहुत ही खूबसूरत सा बना है, बहुत ही खूबसूरत सा आर्किटेक्चर है। मंदिर के शीश पर बहुत ही अच्छी सी नक्काशी है। तो ये देखिए, ये है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल, मतलब इसका आर्किटेक्चर बहुत ही लाजवाब है। किताब में तो शायद देखा था तो इतना नहीं समझ में आता था, लेकिन इसको अपनी आंखों से विटनेस करने पर जो इसका जो स्ट्रक्चर है बहुत ही खूबसूरत है। ये देखो क्या हुआ, मोबाइल गिरा मेरा। तो देखिए हमारे पीछे मतंगेश्वर महादेव। तो हो गए महादेव के दर्शन और चलिए चलते हैं यहाँ से। होगा मिला नहीं फिर भी थोड़ा सा एक यहाँ से व्यू दे देते हैं आपको। बहुत ही बड़ा सा शिवलिंग है अंदर 12 फीट के। चलिए चलते हैं क्योंकि पत्थर है बहुत गर्म। तो यहाँ पर गोप्रो का भी चार्ज पड़ता है, 25 रुपये दे देते हैं, सह लेंगे थोड़ा सा। मेरे ख्याल से ड्रोन अलाउ नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए जब आप आइएगा तो कोशिश करिएगा कि ड्रोन तो अलाउ नहीं है, ठीक है। ड्रोन हमारा अंदर रखा है, ट्राईपॉड भी जमा कर लिया गया हमारा, ठीक है। गोप्रो भी जमा हो जाता अगर हमने इसका चार्ज नहीं दिया होता। 25 रुपये हमने इनके दिए हैं गोप्रो के, तब हमें अलाउ हुआ है इसको यूज़ करना, वरना फ़ोन का कोई चार्ज नहीं है। गोप्रो और DSLR का यहाँ पर चार्ज पड़ता है। वेस्टर्न ग्रुप और ईस्टर्न ग्रुप का जो टेंपल है उन्हीं का निर्माण, उनका निर्माण जो है चंदेल शासकों ने करवाया था। बाकी गर्मी अपने चरम पर है, उमस हो रही है, क्या ही बोल सकते हैं। तो ये वाले जो टेंपल हैं ये हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंडर में आते हैं, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। इसमें सारे ये वाले मंदिर हैं, लोग बेसिकली यही घूमने आते हैं। बाकी जो मंदिर है भगवान जो शिव जी का है वो उधर है, मतंगेश्वर महादेव। तो हमारे पीछे ये है लक्ष्मी मंदिर और इधर है वराहा मंदिर। जैसा कि हम जब से खजुराहो में आए हैं तब से हमने नोटिस करा है, ये भी खंडित है। और कल जब हम ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल में विजिट कर रहे थे वहाँ भी खंडित मूर्तियाँ थीं। और ये है हमारे जस्ट पीछे लक्ष्मण मंदिर। की खूबसूरती बहुत अलग ही, बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्चर है। खंडित मूर्तियाँ यहाँ भी थोड़ी बहुत हैं, जिनमें वेंडलाइज मूर्ति की बात कर रहा था। देखो
तो देखिए यहाँ का आर्किटेक्चर कितना ज़्यादा खूबसूरत है। उस ज़माने में इतनी अद्भुत कलाकृति का निर्माण करना अपने आप में एक अलग ही बात है। यहाँ के मंदिरों की एक शीश का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम है। मैंने ईस्टर्न ग्रुप में भी देखा है, वेस्टर्न ग्रुप में भी देखा, सब में जो शीश है बड़ा ही खूबसूरत है। मेरे ख्याल से जब भी आप खजुराहो आएंगे तो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल को विजिट करने के लिए पूरा एक दिन, एक से दो दिन आपको चाहिए, जल्दीबाजी में कुछ नहीं हो पाएगा। कैप लगा लिया, अंगोछा भी डाल लिया भैया, क्या कि हो रही बहुत तेज़ धूप। क्या आपको पता है चंदेल शासकों ने जो है 52 शहरों का निर्माण करवाया था, उसी के मतलब मद्देनज़र ये सारे मंदिर के निर्माण भी हुए थे तभी। जी, राइट फॉर गाइड। कहाँ से आए आप लोग? भाई लोग MP जबलपुर से हैं, जहाँ पर बीड़ा घाट जहाँ का बहुत फेमस है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सही, लोगों से मिलते हुए जाते हैं तो अच्छा लगता है। और जब से हम इधर आए हैं MP में, लोगों से मिलकर अच्छा ही लग रहा है। मेरे ख्याल से जो वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल में सबसे बड़ा मंदिर यही हमको अभी तक दिख रहा है, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही बड़ा है। तो हमारे पीछे जो मंदिर है ये है विश्वनाथ मंदिर, और इस साइड जो मंडप है वो है नंदी मंडप, उसको बोलते हैं। विश्वनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिरों में सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और ये पंचायतन शैली का मंदिर है, जैसे इसमें लिखा है यहाँ पर, आप पढ़ सकते हो। UPSC की तैयारी के दौरान हमने सब कुछ ऐसा पढ़ा था कि जिसमें गर्भगृह और प्रदक्षिणा पथ जिसको बोलते हैं मंदिर के चारों तरफ जो होता है वो इसमें सब है। राजा धंग द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, बहुत ही खूबसूरत। तो ये है हमारे पीछे विश्वनाथ मंदिर, और ये है हमारे पीछे नंदी मंडप। और यहाँ के मंदिरों में जो है चप्पल पहनना अलाउ नहीं है, जो लेकिन लोग फिर भी जाते हैं। तो भैया जो मेन मंदिर है कंदरिया महादेव वो रहा हमारे पीछे, वो बहुत दूर है यार, बहुत धूप हो रही है, हालत ख़राब है, मतलब हर जगह जूता उतारना पड़ेगा। चलो चलते हैं वहाँ तक, यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा और सही। ने भी कीरिंग लाए थे, सारे ख़त्म हो गए, UP से लेके MP तक में 15 कीरिंग लेकर शायद मैं आया था और सारे दे दिए। जो जानते हैं YouTube के बारे में उनको भी दिए, जो नहीं जानते उनको भी दिए ताकि जान जाएं। तो वो वाला जो मंदिर आप सीधे देख रहे हो मेरे, वो है कंदरिया महादेव, और हमें उसी मंदिर पर जाना है क्योंकि वो मंदिर सबसे मेन मंदिर है यहाँ का। ऑल्दो जो विश्वनाथ मंदिर है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है यहाँ का। तो फाइनली हम पहुँच चुके हैं कंदरिया मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर जैसे बोलते हैं। हमारे पीछे है कंदरिया महादेव का मंदिर, बहुत ही खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसका। देखिए क्या खूबसूरत है। तो गाइस आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय करा होगा वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल का। कई सारे इसमें छोटे मोटे मंदिर और भी हैं जहाँ पर अब जाने की हिम्मत नहीं है मेरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और जो पत्थर है बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे हैं। तो GoPro की हो रही है बैटरी डाउन, और अभी हम यहाँ से चलते हैं डायरेक्ट अपने होटल पर। आई होप आप लोगों ने यहाँ तक का वीडियो एंजॉय करा होगा हमारा, वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल का। ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेंपल का वीडियो अलग से है, वो प्रीवियस का लिंक यहाँ आ रहा होगा, आप देख सकते हो। भाई लोग मिले, ये लोग विदिशा से हैं। बारिश वारिश नहीं हो रही? हाँ अभी तो यहाँ कम है। चलिए चलते हैं, ठीक है, बाय बाय। ओ भाई हालत ख़राब। तो चलिए मिलते हैं आपसे डायरेक्ट हम अपनी बाइक पर। बाप बिल्कुल बिल्कुल, आपको हम वीडियो में ले भी लिए इतनी देर में। क्या नाम है आपका? रोहित सोनी। इनकी भैया की नारियल की शॉप है ये वाली। अब कभी इधर आओ, नारियल वगैरह चढ़ाना हो इनसे ज़रूर मिलना, यहाँ पर मिलेंगे। ये नगर परिषद खजुराहो का जो गेट है वहीं पर लगाते हैं ये। ठीक भैया, नमस्कार। तो ये है खजुराहो की मेन मार्केट, और रात में तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी ये। तो
तो दोस्तों आ चुके हैं अभी अपने होटल पर। काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, मानसून ज़्यादा कुछ लग ही नहीं रहा यहाँ पर अभी। तो आप लोगों ने वीडियो ज़रूर यहाँ तक इन्जॉय करा होगा, और वीडियो इन्जॉय करा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट कर लेना, और भी कोई क्वेरी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आ रहा होगा, फॉलो कर लेना। और हमारे गिरजेश भाई यहाँ के ऑनर, इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो आप। तो अभी चलिए इस व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइट सेफ, स्टे सेफ, बाय बाय।